Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All is Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on spherical mirror in physics. And today is lecture number 2 of this chapter. So let's start. Today what we will do, our topic is reflection of light from a spherical mirror. तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक स्फेरिकल मिरर में देखेंगे. हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर में देखे थे, ठीक है. तो जब हम प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखे थे, एक बार रिमाइंड करवा देते हैं, तो उसमें कुछ इस तरीके से था, ठीक है. ये इंसिडेंट था, ये आपका क्या था, आपका रिफ्लेक्टेड रे था. बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ होता है, ठीक है. तीनों एक ही प्लेन पे होता है, ये मेरे को पता है. दो आपके लॉस थे, पहला तो आपका इंसिडेंट जो आपका एंगल है, यानी कि एंगल आई और ये एंगल आर है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ओके. दूसरा क्या था कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और आपका नॉर्मल, ये तीनों क्या रहेगा, एक ही प्लेन पे रहेगा, ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि क्या यही लॉ आपका स्फेरिकल मिरर में भी फॉलो करता है. तो आंसर है इसका, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है. यस, ये लॉ आपका क्या होता है, स्फेरिकल मिरर में भी फॉलो करता है. यानी कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका प्लेन मिरर में फॉलो हो रहा था, वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका स्फेरिकल मिरर में भी फॉलो होगा. तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से होता है. सपोज ये आपका क्या है, एक आपका मिरर है, स्फेरिकल मिरर, यानी कि ये आप इसको हम बाहर की तरफ क्या करते हैं, कोटेड कर रहे हैं, यानी कि ये क्या बन गया, एक कॉनकेव मिरर बन गया. क्या बन गया, एक कॉनकेव मिरर बन गया, ओके. ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पॉइंट पी यानी कि पोल है, और ये आपका कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके. ऐसे ही कुछ होता है. अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे एक लाइट जो कि मेरा कुछ इस तरीके से जा रहा. एक लाइट क्या करवाए हम, इंसिडेंट करवाए आपका किस पे, आपका कॉनकेव मिरर पे, ठीक है. कॉनकेव मिरर पे हम क्या करवाए, एक आपका लाइट का रे इंसिडेंट करवाए. तो जब ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुआ और इस मिरर पे, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस साइड वाला, ठीक है. इस साइड वाला क्या है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराया और उसे टकराने के बाद जब ये वापस आया, तो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है. रिफ्लेक्टिंग रे इस तरीके से आया, इंसिडेंट रे आपका इस तरीके से गया था, ठीक है. तो जहां पे आपका टकराया और यहाँ पे आपका टकराया, ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, ये आप यहाँ से यहाँ तक एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी. यानी कि क्या बना, ये आपका एक नॉर्मल बना, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं पोल क्या है, नॉर्मल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, आर्मेचर क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ठीक है. ये आपका ए बी, ये क्या है, आपका आर्मेचर, ठीक है. हम यहाँ पे ए बी ना कुछ इस तरीके से देते हैं, ये ए है, ये आपका ये पॉइंट बी है, ठीक है. ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है एंड ये आपका क्या है, डी एफ, ठीक है. तो हमको पता है ये मेरा जो नॉर्मल होता है, वहां से जो इंसिडेंट रे होता है, उन दोनों का जो बीच का एंगल बनता है ना, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं. दूसरा पॉइंट, जो मेरा जो नॉर्मल है, वहां से आपका रिफ्लेक्टेड रे तक का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, यानी कि स्मॉल आर, ओके. हमको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से प्लेन मिरर में मेरे को एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर मिल रहा था. तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ भी आपका सेम लॉ फॉलो करता है, यानी कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर होगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके. ये आपका जो एंगल है और ये आपका इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा. और हम ये भी बता चुके हैं कि आपका प्लेन जो नॉर्मल है, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है, गुजरता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो क्या करता है, पास करता है, वहां से गुजरता है. तो ये जो लाइन है, ये क्या हो गया आपका, इसको हम क्या मान लेते हैं, सपोज इसको हम पी मान लेते हैं, ठीक है. तो हमको पता है एडी क्या है, एडी बाद में देखेंगे, पहले अब हम, ये तो कॉनकेव मिरर का हो गया, अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर का देखेंगे, जो कि मेरा कॉन्वेक्स में जाएगा, कॉन्वेक्स में बनेगा, क्योंकि हमको पता है स्फेरिकल मिरर में क्या रहता है, टू टाइप्स रहता है, एक कॉनकेव हो जाता है, दूसरा कॉन्वेक्स हो जाता है. कॉनकेव का ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम कॉन्वेक्स का देखेंगे. तो जब हम कॉन्वेक्स का बना रहे हैं, तो हमको पता है ये आपका क्या है, एक मिरर है, जिसका अंदर की साइड को अगर हम पेंट करते हैं, तो बाहर की साइड क्या बनता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है. और इसी रिफ्लेक्टिंग, बाहर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो मेरा कॉन्वेक्स मिरर रहता है, वो मेरा कॉन्वेक्स मिरर रहता है, ठीक है.
अब यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किए और मेरे को पता है ये जो पॉइंट है ये क्या है, मेरा पोल है। और मेरे को पता है यहाँ पे कहीं पे क्या बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, डिफरेंस यहाँ पे कॉन्केव और कॉन्वेक्स में क्या होता है ना, कि इसमें जब भी लाइट क्या होता है आपका इंसिडेंट होता है, तो क्या होता है लाइट जब भी आपका कॉन्केव मिरर में क्या होता है, इंसिडेंट होता है, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे क्या करता है, कट करता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे हमेशा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे कट करता है, क्योंकि ये जो कॉन्केव मिरर होता है ना, ये मेरा कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्स करता है, एक ही पॉइंट पे आता है, ठीक है, मतलब कि आपका कन्वर्स करता है, ठीक है। आपका क्या होता है इसमें, जब हम और भी आगे जब देखेंगे मिरर का इमेज बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या होता है कि कॉन्केव मिरर में ना आपका कन्वर्स करता लाइट को, यानी कि आपका लाइट को क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पास किया, और ये अपीयर नहीं होता, ये एक्चुअली में पास करता है, यानी कि ये रियल होता है। एक्चुअली में क्या कर रहा है, कॉन्केव मिरर में आपका जो लाइट है इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे जब टकराता है, उसके बाद जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से मतलब जो इसके बाद रिफ्लेक्ट करता है ना, तो जो ये लाइट रहता है ना, ये एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि क्या मेरा बनाता है यहाँ पे रियल इमेज बनाता है, एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि ये मेरा रियल इमेज बनाता है, यानी कि रियल, हमको पता है रियल इमेज जब भी बनता है तो क्या बनता है मेरा, क्या तो बाद में आएंगे इमेज के बाद में, पहले आप सिर्फ देखिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर में होता कैसे। तो हम देखें कि ये मेरा प्रिंसिपल, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ओके, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट करता है आपके लाइट के रिफ्लेक्शन को, ठीक है। और जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है ना, अब आपका लाइट किधर आएगा, क्योंकि ये आपका पेंटेड साइड है, तो आपका बाहर की तरफ क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो आपका वहीं से रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि अगर ये मेरा आपका इधर नहीं, अगर मान लेते हैं कि ये मेरा कहीं पे आपका क्या कर रहा है, लाइट आपका इस तरह से आपका क्या कर रहा है, लाइट रे आपका कुछ इस तरीके से जा रहा, ठीक है, इस तरह से आपका जा रहा, ठीक है। तो ये जब इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होता है ना, तो आपका इस साइड चला जाता है, यानी कि डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। जो इंसिडेंट रे आता है वो आपको कन्वर्स ना करके डाइवर्स कर देता है, और इस वजह से यहाँ पे मेरा आपका क्या बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमको पता है इस साइड तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है नहीं, इस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और मेरे को पता है ये जो पॉइंट स्ट्राइक किया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यही मेरा नॉर्मल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस साइड हम क्या करेंगे, अपीयर करके देख लेंगे, यानी कि हम वर्चुअली अपीयर कर रहे हैं, एक्चुअली में अपीयर नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये प्रिंसिपल जो एक्सिस है इसको एक्चुअली में कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसको कट नहीं कर रहा है आपका रिफ्लेक्टेड रे। इस वजह से क्या हो रहा ना, हम जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं इस तरफ क्या कर रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो मेरा वर्चुअल इमेज बनता है, क्योंकि एक्चुअली में कट ही नहीं करता है मेरा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे है वहां से ये मेरा क्या हो गया, एंगल आई हो गया, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, एंगल आर हो गया। ये मेरा ए लेते हैं, ये मेरा बी हो गया, और यहाँ पे हम डी मान लेते हैं, यहाँ पे हम डी मान लेते हैं, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको हम यहाँ पे पी मान लेते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर का। सिंस ये मेरा जो आपका इंसिडेंट रे है और उसको डाइवर्ज कर देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। यानी कि कॉन्केव मिरर का अगर हम दूसरा नाम बोले तो वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम दूसरा नाम बोले तो वो मेरा डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये इस रिफ्लेक्टेड रे को कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग पड़ा है, और ये आपका डाइवर्स करता है आपका रिफ्लेक्टेड रे को, इसी वजह से इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर पड़ा, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब हम बता देते हैं यहाँ पे इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड। एडी क्या है, ये मेरा इंसिडेंट आपका क्या है, रे है, इंसिडेंट रे है। यहाँ भी मेरा जो ए बी है वो मेरा क्या है, हम इसको इक्वली नाम देते हैं, इसलिए यहाँ पे मेरा डी लिखते हैं और ये मेरा बी करते हैं, ठीक है। तो ए डी क्या है, यहाँ दोनों में ही क्या है, इंसिडेंट रे है, दोनों में ही क्या है, इंसिडेंट रे है, ओके। आफ्टर दैट जो मेरा बी डी है ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे,
यहाँ पे जो बी डी है ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी डी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद मेरा जो नॉर्मल है वो मेरा क्या है, पी डी। यहाँ पे मेरा जो पी डी क्या है, पी सी भी, पी सी या पी डी हम पूरा ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा सी से लेकर पी तक है पूरा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पी डी क्या है, नॉर्मल है। पी डी क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है, और यहाँ पे मेरा नॉर्मल अगर हम पी डी लिखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ही होता है, लेकिन हमको यहाँ तक लेना है, इसलिए हम नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, पी सी लिखेंगे। ये मेरा यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर पीछे यहाँ पे अपियर करवा रहे हैं आपका, ठीक है, पीछे अपियर करवा रहे हैं इस वजह से, और ये आपका मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और इसके पीछे हम अपियर करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो होता है ना आपका नॉर्मल, ये कट करता आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑलवेज। इसके अलावा और मेरे को क्या पता है कि ये एंगल आई है, यानी कि इंसिडेंट एंगल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल आई, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी डी पी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, एंगल आर। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए डी पी एंगल, ए डी पी इज इक्वल टू एंगल आई, और आपका जो रिफ्लेक्टेड है बी डी पी, बी डी पी क्या है, एंगल आर, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऑलरेडी यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है, एंगल आई आपका एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कुछ आपका क्या है, टर्म्स हो गया, जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से स्फेरिकल मिरर में होता है, ये समझ में आ गया, ठीक है। जब भी स्फेरिकल मिरर में आपका इंसिडेंट होगा, कॉन्केव मिरर में अगर होता है, तो हमेशा जो आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद जो होता है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे जाता है ना, वो हमेशा आपका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस तक पहुंचेगा, ठीक है। जबकि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो डाइवर्जिंग मिरर है, ये मेरा क्या करता है, हमेशा कभी भी आपका कर्वेचर को, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करता, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, और हमेशा हम इसको क्या करते हैं, अपियर करवाते हैं आपका मिरर के, मतलब इस तरफ आप क्या करते हैं, अपियर करवाते हैं, ताकि मेरे को क्या मिले, इमेज मिले, जो कि मेरा वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि कौन सा मिरर में कौन सा इमेज बनता है और क्यों बनता है। सो अभी आप बस इतना जानिए कि किस तरीके से मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल होता है। और हमेशा याद रखिए, जो मेरा प्लेन मिरर है ना, उसमें जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो मेरा यहाँ पे मिरर में भी, इस मिरर में भी यूज होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो सेम ही होता है, ठीक है। वो आपका जिस तरह से एंगल आई आपका एंगल आर की इक्वल है, वही है। और यहाँ पे बोला जाता है उसमें कि इंसिडेंट रे, आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आपका एक ही प्लेन पे होता है, तो ये दोनों में भी कॉमन ही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेरा फोकस एंड फोकल लेंथ है। एक्चुअली इसी के ऊपर पूरा इमेज आपका बेस्ड है, ठीक है। जो स्फेरिकल मिरर है, इसका इमेज समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो ये फोकस एंड फोकल लेंथ उससे पहले इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम देखेंगे कि इमेजेस कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं, कॉनकेव मिरर लेते हैं। क्या मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही मिरर में मेरा क्या होता है, फोकस और फोकल लेंथ आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक आपका क्या कॉनकेव मिरर, यानी कि ये आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, एंड हमको पता है, हम थोड़ा पीछे से ड्रॉ करते हैं इसको, कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमको पता है ये मेरा क्या है, पीछे की तरफ क्या होता है, पेंट होता है, सिल्वर एक कोटिंग रहता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है। मेरे को पता है ये जो पॉइंट है, ये क्या है, पी पॉइंट है, यानी कि पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे रहेगा, तो ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आफ्टर इसमें क्या होता है, हमको पता है इसमें जो आपका लाइट का इंसिडेंट होता है, सपोज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट का इंसिडेंट करवाए, यहाँ पे करवाएं, आफ्टर दैट यहाँ पे करवाएं, आफ्टर दैट अगेन यहाँ पे करवाएं, आफ्टर दैट अगेन यहाँ पे करवाएं, तो ये क्या करवा रहे हैं, हम लाइट का इंसिडेंट करवा रहे हैं। जब इंसिडेंट करवाते हैं तब क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होता है यानी कि रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, और इस तरह से कुछ आएगा, ये कहाँ आएगा, हम क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, सपोज ये आपका यहाँ पे क्रॉस किया, ये आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्रॉस किया, ये आपका रिफ्लेक्ट हुआ रे और अगेन यहाँ पे क्रॉस किया, अगेन ये मेरा रिफ्लेक्ट हुआ और अगेन कहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया। तो एक ही पॉइंट पे क्या देख रहे हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं,
इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, यानी कि फोकस बोलते हैं। तो वैसा पॉइंट जब आपका इंसिडेंट रे कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए आपका जब भी इंसिडेंट होता है लाइट, तो मिरर से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करके आपका जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये आपका इंसिडेंट किया, ये आपका इंसिडेंट किया, ये आपका रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये आपका रिफ्लेक्ट हुआ, ये अगर आप यहां से भी क्रॉस करते हैं तो ये सीधा जाके रिफ्लेक्ट करे। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये टकराने के बाद क्या करता है, वापस रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होके इस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलता है, रिफ्लेक्ट होके सारा आपका जितना भी इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। एफ मतलब फोकस, इसको एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इसको एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे हमको पता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या गुजरता है, मेरा नॉर्मल गुजरता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो मेरे को पता है ये मेरे को कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है, तो ये एक्चुअली में ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ करते हैं, अब उसी तरीके से यहाँ भी अगर ड्रॉ करें, ये मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये मेरा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये नॉर्मल से जो डॉटेड लाइंस में शो किए ना, ये मेरा क्या है, नॉर्मल है, और नॉर्मल क्या करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो अब आपको समझ में आ रहा ना कि जो इंसिडेंट होता है रे वो एक ही जगह पे कन्वर्ज हो जाता है, यानी कि एक ही जगह पे मिलके एक ही पॉइंट पे आता है, एक ही बिंदु पे मिलता है, ये एक्चुअली मीट करता है, क्या करता है, एक्चुअली फोकस पॉइंट पे क्या करता है, मीट करता है। हम लोग अपीयर नहीं करते, यहाँ पे एक्चुअली मीटिंग होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो मीट करता है इस पॉइंट पे, इसलिए इसका नाम क्या है, फोकस है, इसका नाम क्या है, फोकस, एक्चुअली मीट करता है। और दूसरा बात ये है कि ये कन्वर्ज हो रहा है, ये लाइन क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रही है, मतलब कि मिल रहे हैं, ठीक। कन्वर्ज होना मतलब क्या होता है, आपका एक ही जगह इकट्ठा होना, कन्वर्ज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ओके, तो इसी को हम क्या बोले, फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दूसरे मिरर की, दैट इज कॉनवेक्स मिरर। ये क्या है, कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। कॉनवेक्स मिरर में क्या होता है, एक हम क्या ड्रॉ करते हैं, हमको पता है कि इधर की तरफ क्या होता है, पेंटिंग होता है, और ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पॉइंट क्या है, मेरा पोल है। यहाँ पे कहीं हम क्या बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहे हैं, ठीक है। अब हमको पता है इस साइड मेरा क्या है, इस साइड जो है ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, क्योंकि उस साइड क्या है, उस साइड तो मेरा कोटिंग किया हुआ है आपका, ठीक है, टू साइड तो मेरा क्या है, कोटिंग किया हुआ है। क्या हुआ ना, यहाँ पे इंसिडेंट होता है लाइट, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट करवाए हम इस तरीके से, क्योंकि मेरे को पता है जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वहां पे क्या होता है, लाइट इंसिडेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं। हमको ये भी पता है साथ में कि जब भी मेरा कॉन्वेक्स मिरर रहता है तो ये मेरा क्या करता है, लाइट जो आपका रिफ्लेक्ट होता है ना उसको डाइवर्ट कर देता है, यानी कि ये इस तरफ मोड़ देगा, ये इस तरफ मोड़ देगा, ये आपका इस तरफ मोड़ देगा, ये आपका इस तरफ मोड़ देगा, यानी कि ये जो इंसिडेंट आपका रे इस तरीके से हो रहा है, ये आपका रिफ्लेक्ट आपको कुछ इस तरीके से करके देगा, यानी कि आपका इस साइड मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस को नहीं कट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, एफपीआर करवाएंगे कि ये कट कर रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे, वर्चुअली कट करवाएंगे, तो हम कुछ इस तरीके से कट करवाएंगे, और इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन में शो कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके से कट करेगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको हम क्या बोल देंगे, फोकस, यानी कि F, ठीक है, ये मेरा क्या है, फोकस, ठीक है। तो आपका ये डिफरेंस होता है आपका एक कॉनकेव मिरर में और एक आपका कॉनवेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर में एक्चुअली मीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे मीट कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, वर्चुअली मीटिंग, ठीक है, वर्चुअली मीट कर रहा है, यहाँ वर्चुअली मीट कर रहा है, ठीक है। जो फोकस है यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्चुअली मीट कर रहा है। और मेरे को तो ये भी पता है कि जो इसके बीच से आपका कट, इसको हम स्ट्रेट लाइन में बना रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आया फिर, तो ये क्या से, ये आपका नॉर्मल लाइन से, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास कर रहा है, ये मेरा क्या है, आपका नॉर्मल लाइन। ओके,
या आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास कर रहे हैं ये मेरे नॉर्मल लाइन से, और उसी तरीके से ये मेरा क्या है आपका इंसिडेंट एंगल, ये मेरा क्या है रिफ्लेक्टेड, उसी तरीके से यहाँ पे ये मेरा इंसिडेंट एंगल, ये मेरा रिफ्लेक्टेड, उसी तरीके से जस्ट मिनट चॉकलेट है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है ये मेरा इंसिडेंट एंगल है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये मेरा इंसिडेंट एंगल है, ये मेरा रिफ्लेक्ट, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मेरा क्या है इंसिडेंट एंगल है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो दोनों में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों बन रहा है। अब हमको पता चल गया फोकस क्या होता है, ठीक है, फोकस क्या होता है मेरे को पता चल गया, लेकिन अब मेरे को ये पता करना है कि फोकल लेंथ क्या होता है। दो चीजें यहाँ पे, फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस क्या हुआ मेरे को पता है कि कॉनकेव मिरर में जहां भी आपका रिफ्लेक्ट होता है, मतलब कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलता है आपका इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं, और यहाँ पे अपीयर्स टू मीट करता है, ठीक है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपीयर्स टू मीट करता है, एक्चुअली मीट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनता है ना, इस वजह से ये रियल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो मेरा वर्चुअल इमेज बनता है, क्योंकि यहाँ पे कटिंग ही क्या होती है, यहाँ पे जो मीट करता है ना वही आपका वर्चुअल होता है, वही आप अपीयर करते हैं कि ये कट होता है, इस वजह से ये मेरा यहाँ पे क्या बनाता है वर्चुअल इमेज बनाता है, और ये मेरा क्या बनाता है आपका रियल इमेज बनाता है। खैर हम इमेज पे बाद में जाएंगे, लेकिन अभी हमको बस इतना जानना है कि फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होता है। तो फोकस समझिए क्या होता है, अब फोकल लेंथ क्या होता है ना, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकल एंड पोल, यानी कि एफ से पी, एफ से जो पी तक का डिस्टेंस है ना उसको हम क्या बोलेंगे फोकल लेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे फोकल लेंथ, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे फोकल लेंथ, एफ से जो पी तक का डिस्टेंस है यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे फोकल लेंथ, उसी तरीके से यहाँ पे एफ से सॉरी एफ से पी, हाँ एफ से पी तक का जो डिस्टेंस हो उसी तरीके से यहाँ पे एफ से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड फोकल लेंथ, एंड दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर में एंड कॉनकेव मिरर में, किस तरीके से फोकस एंड फोकल लेंथ डिफरेंट होता है, उसी तरीके से आपका मतलब क्या डिफरेंस है, ठीक है, एक्चुअली मीट करता है ये कन्वर्जिंग है, और ये इसी वजह से क्योंकि डाइवर्ज हो रहा है, इसका जितने भी रे क्या हो रहा है आप देख रहे हैं कि डाइवर्ज हो जाते हैं, यानी कि डाइवर्ज करना मतलब फैलना एक तरफ से, तो उसको क्या बोलते हैं ये मेरा क्या होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग आपका मिरर, ये मेरा क्या हो गया डाइवर्जिंग मिरर हो गया, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, हियर इज व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले तो फोकस क्या है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर का है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में तो मेरे को पता है कन्वर्ज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो रहा है ना, क्या बोला जा रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है उसका जो फोकस है वो उस पॉइंट पे रहता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट पे रहता है, हमको पता है कि ये मेरा अगर आपका आपका क्या है अगर मान लेते हैं ये मेरा क्या है कॉनकेव मिरर है तो मेरे को लाइट रे जो आता है ना कुछ इस तरीके से मीट करता है, ठीक है, तो जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट करता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं फोकस, यानी कि जो पैरेलल लाइट्स आता है ये मेरा जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना इसके पैरेलल लाइट्स है, सीधा सीधा आ रहा है ना, तो ये क्या है पैरेलल है आपके, और पैरेलल होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल, इंसिडेंट होता है पैरेलल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है लाइट इंसिडेंट रे, आफ्टर पासिंग रिफ्लेक्शन पास आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस पास आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है फ्रॉम द मिरर, जिस पॉइंट पे आपका कट करता है ना जिस पॉइंट पे कट करता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन होने के बाद उस पॉइंट को क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं, ये किसका है कॉनकेव मिरर का है। आफ्टर दैट इन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी सेम बोला जा रहा है, सपोज ये क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, हमको पता है ये इस तरीके से कट करता है, ठीक है, आपका पैरेलल आ रहा है, ठीक है, क्या बोला जाता है फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या कहलाता है इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट, यहाँ पे मेरा कर्वेचर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या होगा फोकस होगा,
तो एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे फ्रॉम विच द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमको पता है ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके आपके इंसिडेंट जो हो रहा है लाइट, ये सारे लाइट क्या है पैरेलल होंगे। हमेशा ध्यान रखिए इंसिडेंट क्या होगा पैरेलल होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के। उस टाइम पे क्या होगा ना, उस टाइम पे जब इस तरीके से होगा तो उस टाइम पे जो अपीयर्स टू कम्स आपका रिफ्लेक्शन, जब अपीयर करेगा जो पॉइंट है ना वो कहाँ पे अपीयर करेगा फोकस में, कि ये आपका यहाँ पे कट कर रहा है, एक्चुअली में कट नहीं कर रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है ना ये डाइवर्ट कर जा रहा है दूसरी तरफ मुड़ जा रहा है, तो ये कभी भी आगे जाके नहीं मिलता है, ठीक है, कभी भी रियल में नहीं मिलता है, इसलिए हम जो मिरर होता है उसके पीछे हम मिलाने की कोशिश करते हैं और हम क्या करते हैं अपीयर करते हैं कि वर्चुअली मिलाते हैं। तो क्या होता है जहां पे मिलाते हैं ना वर्चुअली उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है और ये उसी तरफ होता है जिस तरफ आपका सेंटर और कर्वेचर रहता है, ठीक है। कॉन्केव मिरर को हमेशा कन्वर्ज होता है, इस वजह से इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमेशा डाइवर्ज करता मतलब फैलता है, ठीक है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, एक चीज का डेफिनेशन रह गया, वो आपका फोकल लेंथ का डेफिनेशन रह गया, ठीक है, उसको भी लिखवा देते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है ना, ये फोकल लेंथ जो होता है ना ये आपका दोनों में सेम होगा, ठीक है, इसको आपको अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं होगा। और इन दोनों में क्या होता है ये मेरा रियल में मिलता है और इन दोनों में वर्चुअली मिलता है, यानी कि अपीयर्स टू मीट करता है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड पोल एंड द पॉइंट वेर द रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे मीट, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड एंड द एंड फोकस, फोकस डायरेक्टली लिखते एंड फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जिस पॉइंट पे मिलता है यानी कि फोकस और आपका जो पोल होता है उन दोनों के जो डिस्टेंस रहता है ना उसको हम क्या बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। सो दिस इज अ डेफिनेशन और ये डेफिनेशन आपका कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों में इक्वल ही होता है, ओके। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस एंड विल डू आफ्टर दैट विल स्टार्ट इमेज, ओके। कल कुछ टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स को करेंगे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे डायरेक्ट इमेज स्टार्ट करेंगे कि स्फेरिकल मिरर में मेरा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों में मेरा क्या बनता है इमेज जो है वो मेरा किस तरीके से बनता है, ओके। सो फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज ऑल इज स्कॉलर्स एंड डाउनलोड अवर ऐप दैट इज सीएस india.com। Please subscribe our channel and download our app for more videos, okay? Thank you so much guys, goodbye and take care.